नई संसद देश के सपनों का प्रतिबिंब। जी हाँ, यह तस्वीर ये बयां करती है कि हमारे देश में बनी हुई नई संसद भवन देश के सपनों का प्रतिबिंब है और इस सपनों को साकार करने के लिए देश में नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुरानी संसद भवन थी उसका आकार गोल था, जबकि जो नई संसद भवन बनी है उसका आकार तिकोना है। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। पारंपरिक रीतियों के बीच भव्य आयोजन। पीएम मोदी बोले, नए संसद भवन के कण कण में श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। और इसी बीच नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह हुआ। यह उद्घाटन समारोह 28 मई 2023 को दिन रविवार के दिन हुआ। इस संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और इसी बीच एक नए सिक्के, जो 75 रुपये का सिक्का था, उसका निर्माण करके उसे भी जारी किया गया। इस सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा और 5.5% निकिल और जिंक मौजूद हैं। इस सिक्के का वजन 34.65 ग्राम से 33.35 ग्राम के बीच है। इसके एक और बीच में अशोक स्तंभ की छवि और एक और देवनागरी लिपि में भारत, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। यह नई संसद 64,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसका भवन निर्माण किया गया है। इसमें लगभग 888 सदस्य लोकसभा के और 300 सदस्य राज्यसभा के बैठ सकने की क्षमता है। इस संसद भवन के निर्माण में लगभग 60,000 श्रमिकों को रोजगार मिला। इस प्रकार एक बेहद खूबसूरत संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 28 मई 2003 को प्रधानमंत्री के द्वारा भव्य रूप से किया गया।